आप सभी का लाइव के भी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। वित्त विभाग की लापरवाही पर क्या बोले जिम्मेदार, उन्हीं की जुबानी सुनिए। पूरा मामला बांगर मऊ लखनऊ रोड ग्राम पंचायत पतौली का है। बांगर में उन्नाव खेतों में कार्य कर रहे दंपति बिजली के खंभे में अचानक उतरे, करंट से मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंचे जिम्मेदार अधिकारी और विधायक बंबा लाल दिवाकर से जब हमारी लाइव टीवी समाचार के संवाददाता से बात हुई तो क्या कुछ कहा अधिकारियों ने और विधायक जी ने, हम आपको दिखाते हैं उन्हीं की जुबानी। लाइव टीवी समाचार के लिए नैमिष विश्वकर्मा की खास कवरेज। घटना स्थल पर जहां पर क्षेत्रीय एसडीएम और यहां पर क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल जी मौजूद हैं और एक्शन बांगरमू, हम बात करते हैं क्या हुआ इस मामले में, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, आइए हम बात करते हैं। क्या मामला हुआ है इसका, इस मामले में क्या कार्रवाई हुई अभी तक? इसमें दो पति पत्नी है, उनकी विद्युत से मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पे कुछ विरोध था। एक्शन साहब आए हैं तो उन्होंने बताया है कि विद्युत विभाग से पति पत्नी को दोनों शासन की बात है, तो अगर यहाँ पे कृषि आवंटन या आवास आवंटन के लिए जगह देखने के लिए लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है, इसकी फाइल बनी है और पारिवारिक लाभ में 30,000 रुपये दिए जाते हैं, उसकी कार्रवाई की जाएगी। लाइन एकदम जर्जर हो चुकी है पूरे क्षेत्र में, बिजली विभाग पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है और इसकी शिकायत काफ़ी बार एक्शन बांगरमऊ से की गई है और इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्शन महोदय आप जवाब दें। जर्जर तारों का है, हम आपको बता दें सभी क्षेत्र में 100 किलोमीटर का तार भेजा गया है, इस क्षेत्र में अभी जर्जर तारों का है वो इसमें भेजा जा चुका है, लेकिन 2 साल से लगातार इसमें पासवर्ड आए इसलिए जर्जर तार नहीं बदले जा पाए। अभी हमने जानकारी की है, पता चला है कि 2 साल पहले इसी लाइन को लेके मामला फाइनल हो चुका, मतलब कहने का है कि इसी लाइन का एस्टीमेट पास हो चुका है, जो कि अभी यहाँ पर लाइन नहीं बिछी हुई है। उस विषय में हम बात करते हैं एक्शन महोदय जो हमारे साथ मौजूद है बांगरमऊ, क्योंकि 2 जाने गए हैं यहाँ पर, जो कि एक परिवार छिन्न भिन्न हुआ है यहाँ पर, जिनके 4 बच्चे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए परिवार के प्रति उनको शोक और संवेदना है। और 2 साल पहले जो लाइन का यहाँ एस्टीमेट पास होगा उस बारे में क्या कहना है आपका? यहाँ का कोई एस्टीमेट पास नहीं हुआ है, आप जानकारी बता दें जी, यहाँ का कोई एस्टीमेट पास नहीं पास हो जाता तो यहाँ पर एस्टीमेट पास नहीं हुआ है, जो कि एक्शन महोदय बांगरमऊ का कहना है। और हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल दिवाकर जी, जिनसे हम बात करते हैं कि परिवार को पारिवारिक लाभ में क्या मिला है और पारिवारिक लाभ कब तक घर वालों को जो है मिल जाएगा, इसकी जानकारी हम लेते हैं विधायक जी से। विधायक जी क्या कहना है आपका इस मामले में? 2 जाने गई हैं, 2 जान जाने का मतलब, और इस तरीके का जर्जर तार, विद्युत विभाग क्या कर रहा है? विद्युत विभाग बैठा हुआ है, कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं बता दूं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, बिजली विभाग की थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा अनदेखी है कि ये 11,000 की लाइन जो डायरेक्ट खंभे से जुड़ी हुई है, जो बिजली विभाग की तरफ से पूर्ण रूप से लापरवाही है। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से लापरवाही बिजली विभाग ने की है, इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2 परिवार की जाने गई हैं और इन दोनों परिवार में आपको ये भी पता, आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूँ, 15 वर्ष पहले इसी खंभे से इसी लड़का, जो आज लड़का और बहू एक्सपायर हुए हैं, इनके पिता की भी जान बिजली से ही हुई थी, इसी खंभे से हुई थी, लेकिन 15 वर्ष के बीच के कार्यकाल के बाद आज ऐसी, आज का दिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस परिवार को फिर से इस बिजली के खंभे की वजह से। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पूरा उत्तर प्रदेश इनके साथ है। जो विद्युत विभाग की तरफ से 5-5 लाख का मुआवजा, वो एक्शन साहब ने आज एडमिट किया है कि मैं अभी तत्काल दिलवा रहा हूँ, तत्काल उसकी चेकअप मिल जाए और विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसकी शिकायत 10 दिन पहले भी क्षेत्र के गांव के लोगों ने की थी, लेकिन जब क्षेत्र की शिकायत पहुंचने के बाद भी अगर विद्युत विभाग के लोगों ने उस पर कोई काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही नज़र आती है। और दूसरा, उसके साथ साथ पारिवारिक लाभ के रूप में 30,000 रुपये, और मैंने ये आग्रह किया है SDM महोदया से कि एक भूमिहीन लोग हैं, 5 बिस्वे जमीन मात्र इनके परिवार में है, 2 बच्चे बड़े हैं, 2 बेटियां छोटी हैं, इनको कृषि आवंटन यदि इस ग्राम सभा में हो तो कर दिया जाए, अदरवाइज इनके पास आवासीय पट्टा के लिए भी जमीन है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो ये कर दें, जो अवेलेबल हो वो कर दें, लेकिन इस
गरीब की मदद हो जाए, ऐसी मैं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी तो मैं उनसे भी प्रार्थना कर लूँगा कि वाकई गरीब के घर में जो व्यवस्था जो उसके घर की बदली है, यानी कि उसका पूर्ण रूप से घर छिन्न भिन्न हुआ है, उसमें सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ। परिवार को लाभ मिला है, जो लाभ मिला है क्या वो उचित लाभ मिला है, और यहाँ पर एक कार्रवाई जो बिजली विभाग के खिलाफ होनी चाहिए क्या वो होगी या नहीं होगी? विधायक जी क्या कहना है इस बारे में आपका? नहीं, मेरे सीओ खड़े हैं सर, क्षेत्राधिकारी महोदय खड़े हैं, मैंने उनसे आग्रह किया है कि तत्काल FIR करवाइए, क्योंकि FIR किस पे होगी? FIR में अधिशासी अभियंता से लेके अधिशासी अभियंता होंगे, SDO होंगे, JE होंगे और लाइनमैन होंगे, क्योंकि ये खबर अगर 10 दिन पहले न दी जाती तो जरूर हमारी लोगों क्षेत्र के वासियों की तरफ से गलती थी, लेकिन जब क्षेत्र वासियों ने 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया है कि हमारे यहाँ बिजली पर 11,000 की लाइन को सीधे खंभे से बांध दिया गया है, जिस पर चीनी मिट्टी का जो एक रोल लगता है उसको भी नहीं लगाया गया है, और वो करंट नीचे उतर रहा था, और खेत में काम करने वाले दोनों मजदूर जो अपने सुबह 7 बजे खेत में महिला उसकी और दोनों मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे थे, और दोनों ही इस खंभे की आज बिजली के करंट से जिनकी दुर्घटनापूर्ण मौत हुई है, और इसमें तो मैं भी कहूँगा कि इन बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। विधायक जी का कहना है कि बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी मौजूद हैं, जो भी इस लाइन में आते हैं, उन्हीं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी ये वक्त और समय ही बताएगा, जिसका हम सब गवाह होंगे, और ये कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए कि क्षेत्र में एक नज़ीर बन जाए, क्योंकि बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई किसी के कान में जू नहीं रेंगता है। आज सुबह की घटना है, फोन पर फोन किया जा रहा, एक्शन बांगरमो महोदय फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? दो मौतें हो गई, आप फोन नहीं रिसीव करते हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। और इस तरीके से मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि विधायक जी आप कार्रवाई के लिए आप आगे से आगे बड़ा कदम आप उठाएं। क्या कदम होगा आपका? कदम पहली चीज तो मेरी DM से बात हो गई है, जिलाधिकारी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई भी होगी, और जो इनके परिवार को लाभ दिया जाना है उसके लिए भी अभी ADM महोदय आ रहे हैं, तो अभी उनके सामने ही जो घोषणा होनी है वो करवा देंगे। उसके अलावा FIR तत्काल लिखी जाए, इसके लिए भी मांग है गरीब जनता की, तो हमें लगता है कि FIR तत्काल हो जानी चाहिए, जो दोषी है उनकी जाँच हो, उसके बाद दोषियों को जेल भेजा जाए। जी, विधायक जी का कहना है जो दोषी है उनको जेल भेजा जाए, कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई होगी ये तय समय और उचित समय बचाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं आपके साथ नमित विश्वकर्मा, जिला ब्यूरो। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहे लाइव TV समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।